सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मैंने बनाया है, जो बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो, जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन या कोटी, या फिर किड्स कार्डिगन या शॉल वगैरह, किसी पर भी आप ये बना सकते हो। बहुत ईजी है। देखिए, मैंने 32 फंदे इसमें डाल रखे हैं और इसे आप 10 नंबर की सिलाई से बनाएं। चलिए देखते हैं, जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है। देखिए, पहला फंदा तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम निकाल देंगे बिना बुना। और फिर आपने दो फंदों के बीच से, यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये होल, यहाँ से इन दो फंदों के बीच में से यहाँ से सिलाई निकालनी है। एक फंदे को थोड़ा सा लंबा खींच लेना है, फिर उनको आपने ये सिलाई पर लेना है और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेकर बुनाई कर देना है। अब देखिए, ये दो फंदे, अगले दो फंदों में आपने दोनों को एक साथ लेकर बुन देना है। ये देखिए, अब फिर से दो फंदों में आपने यहीं से सिलाई को डालना है इस जगह से, और यहाँ से एक फंदा निकालना है। फिर आपने ये ऊन को सिलाई पर लिया और दोनों फंदों को, इनको एक साथ बुनाई कर दिया। अब अगले दो फंदों को आपने एक साथ लेकर बुन देना है। अब देखिए, फिर दो फंदों में यहाँ से सिलाई डालेंगे आप, एक फंदा यहाँ से निकालेंगे और ऊन को सिलाई पर लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेकर बुन देंगे। अब अगले दो फंदे आपने एक साथ लेकर बुनाई कर देने हैं। अब देखिए, फिर अगले दो फंदों में यहाँ से सिलाई डालेंगे आप इस तरह से, और ये यहाँ से एक लंबा सा ये फंदा निकाल लेंगे आप और ऊन को सिलाई पर लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर अगले दो फंदे हमने एक साथ बुनाई करने हैं। इस तरह से दो फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। अब देखिए, फिर से ये दो फंदों में यहाँ से सिलाई को डालेंगे, दो फंदे लेकर एक लंबा सा यहाँ से फंदा निकालेंगे, फिर उनको सिलाई पर लिया, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुनाई कर दिया। यहाँ पर देखिए, हमारे दो फंदे बढ़े हैं तो एक फंदा हमारा इन दोनों को साथ लेकर घट जाएगा। दो का एक बनाया। अब फिर से दो फंदों में यहाँ से सिलाई लेंगे आप, डालेंगे, एक फंदा यहाँ से खींचेंगे, ऊन को सिलाई पर लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देंगे। फिर अगले दो फंदे भी एक साथ बुनाई कर देने हैं। फिर नेक्स्ट दो में इस तरह से यहाँ से सिलाई डालकर फंदा खींचा, ऊन को सिलाई पर लिया और दोनों फंदों को एक साथ बुन दिया। और ये दोनों फंदे, अगले दो फंदे आप इकट्ठे बुन देंगे। फिर ये दो फंदे यहाँ आए हैं, ऊन को सिलाई पर लिया, दोनों को एक साथ बुन दिया। अब देखिए, दो फंदे हैं ये लास्ट के, इन दोनों को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब सेकंड रो आई है, इसमें कोई उल्टी सिलाई नहीं चलेगी, दोनों तरफ से सीधी सीधी चलेगी। पहला फंदा बिना बुना निकाल देंगे, एक फंदा ये बुन दिया और एक फंदा ये बुन दिया। अब ये वाला जो फंदा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये अलग से ही है जो हमने नीचे से निकाला था। तो ऊन को पीछे लेंगे और इसको बिना बुना ही स्लिप कर लेंगे सिलाई पर, और फिर ऊन को आगे पहुंचा कर फिर से हम इनमें से तीन फंदों को बुन देंगे, एक दो तीन। देखिए, फिर से ये फंदा आया है, ऊन को पीछे लिया, इसको स्लिप किया, ऊन को फिर से आगे पहुँचाया, फिर इसमें से तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन। फिर ऊन को पीछे लिया और इस फंदे को स्लिप किया और आगे पहुंचाया इस ऊन को, फिर तीन फंदे बुनाई कर देंगे, एक दो तीन। ऊन को पीछे लिया, इस फंदे को स्लिप किया और ऊन को आगे पहुंचाकर फिर से तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन। ऊन को पीछे लिया, इस फंदे को स्लिप किया, ऊन को आगे पहुंचाया, फिर से तीन फंदे बुनेंगे सीधे, एक दो तीन। फिर से ऊन को वापस लिया, फंदे को स्लिप किया, ऊन को आगे पहुंचाया। पूरी हमारी रो 2 इसी तरह से कंप्लीट होगी।
देखिए गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। देखिए लास्ट का ये फंदा है, सीधा बुन दिया। ये देखिए, ये बन गया एक डिज़ाइन। बस इसी तरह से आप ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए चलिए एक और बनाकर मैं आपको दिखाई देती हूँ। पहला फंदा हम एक्स्ट्रा है स्लिप कर लेंगे, फिर से दो फंदों में यहाँ से यही डिज़ाइन, ये यहाँ सिलाई को डालेंगे, ये निकाला, रॉ थर्ड है हमारी, ऊन को ऊपर लिया, फिर दो फंदे एक साथ बुन दिए, फिर अगले ये दो फंदे भी एक साथ बुन देने हैं, इकट्ठा दो का एक बन गया। फिर से दो फंदों के यहाँ से डालेंगे सिलाई, ये यहाँ पर ये फंदा लिया, ऊन को सिलाई पर लिया, दोनों फंदों को इकट्ठा बुना। अगले नेक्स्ट जो दो फंदे हैं इनको भी इकट्ठा बुन देंगे, दो का एक बनाया कि फिर से यहाँ पर ऊन को सिलाई पर लिया, दोनों को एक साथ बुन दिया। फिर अगले दो नेक्स्ट फंदे फिर से ये एक साथ बुनेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत आसान सा है ये डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप इसे बनाओगे तब आप खुद देखोगे कि बहुत ही खूबसूरत है और इजी भी है। उल्टी सिलाई इसमें कोई नहीं आएगी क्योंकि रॉन्ग साइड से भी हमें ये सीधा ही सीधा बुनना होगा। टू रॉ का ये डिज़ाइन था, एक बन गया, ये दूसरा डिज़ाइन बना रहे हैं हम, थर्ड रॉ है हमारी। देखिए दो फंदों को इकट्ठा बुना, अब ये नेक्स्ट दो लास्ट के फंदे एक साथ बुन देंगे। ये देखिए रॉ फोर्थ भी कंप्लीट, रॉ थर्ड भी कंप्लीट हुई, अब रॉ फोर्थ आई है, रॉन्ग साइड है लेकिन रॉन्ग को भी हम इसको हम सीधा बुनेंगे। देखिए तीन फंदे ये हमारे सीधे बुन लिए, अब ये वही फंदा आया है जो नीचे से निकाला था, उनको पीछे लिया, इसको स्लिप कर लेंगे, उनको आगे पहुंचाकर फिर तीन फंदे बुन देंगे, एक दो तीन, फिर से स्लिप किया, ऊन आगे पहुंचाई। फंदे को जब आप स्लिप करेंगे तो उनको पीछे लाना होगा आपने, इस तरह से फिर स्लिप किया, फिर आगे पहुंचाई, एक दो तीन। और ये एक और बुना जाएगा, ये स्लिप किया, उनको आगे पहुंचाया, फिर से तीन फंदे अगले बुनाई करने हैं हमें। स्लिप किया, उनको आगे पहुंचाया, तीन फंदे फिर से इसमें से बुनाई कर देने हैं हमने ये तीनों। अब उनको पीछे लिया, इसे स्लिप किया, आगे पहुंचाया उनको, लास्ट का फंदा सिंगल बुन दिया। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आता जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है, बहुत ही बेस्ट है, इजी है। देखिए गाइस कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।